करवा चौथ के दिन हमारे एडिशनल एसपी पूर्वी हैं, तो उन्होंने एक नए पैटर्न पे चेकिंग अभियान शुरू कराया था जिसमें मोटरसाइकिलों का एक दस्ता निकलता है और वो मोटरसाइकिल का जो दस्ता है वो स्थान स्थान पर जहाँ भी संदिग्ध लोग दिखते हैं उनकी घेराबंदी करके चेकिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट मिले थे। उस दिन हमने 3 मोटरसाइकिलें पकड़ी थी और कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए भी पकड़ा था। तो उसी पैटर्न पे आज जितने हमारे अन्य अधिकारी हैं हम सभी लोगों ने उसी पैटर्न पे आज चेकिंग की, मोटरसाइकिलों का दस्ता हम लोगों का निकला और जहां पर भी हम लोगों को लगा कि इस स्थान को हम लोगों को घेराबंदी करनी चाहिए वहां तुरंत 2 टीमों में विभक्त होकर के हम लोगों ने घेराबंदी की। और इस तरह की चेकिंग से हमको लाभ ये हुआ कि कोई भी आपराधिक तत्व या फिर जो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल तेज स्पीड में चला करके भाग जाते थे वो लोग सारे गिरफ्त में आए और सबकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो सकी और तलाशी हो सकी। इसके साथ ही हम लोगों ने काफ़ी लंबा एरिया भी कवर कर लिया। तो ये जो मोटरसाइकिल दस्ते के साथ एक चेकिंग का पैटर्न है इसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। आज भी करीब हम लोगों ने 6 मोटरसाइकिलें संदिग्ध मिली जिनको हम लोगों ने थाने भेजा है, उसमें आगे चेकिंग की जा रही है कि चोरी की मोटरसाइकिलें हैं क्या है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की चेकिंग की, बहुत सारे ऐसे लड़के जो बहुत तेज स्पीड में भाग करके जा रहे थे उनको हम लोगों ने रोका, चेक किया, तो अच्छे परिणाम इसके मिले हैं। और त्योहारों के मद्देनज़र जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ऐसे कि जहां पर हमारी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं तो वहां पर 2-व्हीलर के माध्यम से हम लोग इसी तरह से मोटरसाइकिल दस्ते बना करके हर थाना क्षेत्र में हम लोग चेकिंग करवाएंगे। अभी तो ये शहर में ही अभियान चल रहा है, क्या इसको पूरे जिले में आप जो है करवाएंगे? हाँ, आज हमने अपने सभी क्षेत्राधिकारी को और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी को भी इसीलिए बुलाया था कि ये चेकिंग किस तरह से की जाती है, उसके क्या लाभ हैं वो भी देख लें, ताकि अपने अपने सर्किल में अपने अपने क्षेत्र में वो चेकिंग शुरू करवाएं। और हम लोग बहुत जल्द ही बाकी जितने थानाध्यक्ष हैं उन सबको भी अवगत करा करके और इसी पैटर्न पे चेकिंग करवाना शुरू करेंगे।